सदस्य बलिया जिले में थाना वसीहट रोड पर अंतर्गत गाजियापुर के ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाने में लगा रहे गंभीर आरोप। आपको बता दें कि जैसे कि आपको तस्वीरें में दिखाया जा रहा, आप देख सकते हैं जगह जगह पर नालियां जाम होने पर आम जनता परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दें कि पानी खराब होने के कारण बीमारियां फैल रही, सड़क के पास हुआ कुआं जो मौत का दबाव देता है। ग्रामीण वासियों ने कहा कि ग्राम प्रधान, आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के फरियाद लगाते तो कोई भी सुनवाई नहीं होती। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट बलिया से। मेरा नाम है, मेरा पिताजी का कपिल देव ग्राम गजियापुर जी। क्या मामला है गांव का? गांव का मामला है कि नाली जाम हो गया है, प्रधान जी से कहने पर सुनते नहीं है और कोई भी कार्रवाई, कोई दरखास्त देने से कोई सुनवाई नहीं होता है। नालियाँ कहाँ कहाँ तक जाम हुई है? पूरा ये नालियाँ जाम हो चुकी हैं, जहाँ से नाली हुआ है चालू है, जहाँ तक ख़त्म हुआ है वहाँ तक पूरा जाम हो गया है। और भी क्या दिक्कतें हैं? द्वार पर पानी लग गया है सबके, यहाँ आना जाना मुश्किल हो गया है जी। तो आपने इसकी सूचना अधिकारी को दी थी, आपने प्रधान जी को दी थी जी, तो क्या हुआ? तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। प्रधान जी क्या बोले हैं? प्रधान जी कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, नारी से जा कर नारी से मतलब नहीं है हमारा। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्रधान जी पर उचित कार्रवाई हो के ना। सही है। मेरा नाम दिनेश कुमार गोंड है, मेरे पिताजी का नाम श्री हीरालाल गोंड है, मैं ग्राम गजियापुर का निवासी हूँ। और क्या मामला है? मामला यही है कि यहाँ पर नालियाँ जाम हो चुकी है, सारी नालियाँ टूट चुकी हैं और प्रधान जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पर प्रधान द्वारा स्वच्छता अभियान का घोर अपराध किया जा रहा है प्रधान के द्वारा ग्राम गजियापुर में। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।